दोस्तों पिछले साल जून में हुए आईपीएल के मीडिया राइट्स ऑक्शन में आईपीएल की स्ट्रीमिंग राइट्स बिलियनियर मुकेश अंबानी की वाईकॉम 18 ने 2.7 बिलियन डॉलर्स की डील करके जीत लिए थे। उनका कंपटीशन सोनी और डिज्नी जैसी कंपनी से था। पहले ये राइट्स डिज्नी के पास थे और वो आईपीएल स्ट्रीमिंग अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार एप्लीकेशन पे करते थे, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। उसे देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एटलीस्ट 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ता था, मगर अब वाईकॉम 18 आईपीएल की स्ट्रीमिंग अपने जियो सिनेमा ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, यानी आपको आईपीएल देखने के लिए एक भी पैसा अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो फिर बात ये आती है कि इससे जियो सिनेमा को क्या फायदा होगा और वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। इसका जवाब है एडवर्टाइजिंग सेल्स, यानी स्ट्रीमिंग के बीच में एडवर्टाइजिंग दिखाकर रेवेन्यू जनरेट करना। फेसबुक और गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यही मेथड यूज करते हैं और पेड प्लेटफॉर्म सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स से कई ज्यादा सक्सेसफुल हैं। इसको हम हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप के एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। इसकी स्ट्रीमिंग भी जियो सिनेमा ने फ्री में ही की थी। इसको इंडिया में टोटल 110 मिलियन यानी 11 करोड़ लोगों ने देखा, जिसमें अर्जेंटीना वर्सेज फ्रांस के फाइनल मैच को 32 मिलियन लोगों ने लाइव देखा। अलग अलग इंडस्ट्रीज से कम 50 ब्रांड्स ने वर्ल्ड कप के लिए वाईकॉम 18 से कोलैबोरेशन किया था, जिससे उनकी रिकॉल वैल्यू 2 से 3 गुना बढ़ गई थी। IPL फ्री स्ट्रीम करने से जियो सिनेमा के सब्सक्राइबर्स में भी काफी इजाफा होगा। ऐसी ही स्ट्रेटेजी रिलायंस जियो ने भी यूज की थी, जिसमें उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सस्ते रेट में 4G इंटरनेट अवेलेबल करवा के अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए थे और अब उनके इंडिया में ऑलमोस्ट 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। जियो सिनेमा में इस बार 4K रेजोल्यूशन के साथ साथ 12 भाषाओं में स्ट्रीमिंग होगी और कमेंटेटर्स के साथ चैट्स और कई क्विजेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। खैर, आप IPL किस प्लेटफॉर्म में देखना पसंद करते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोश को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।